नमस्ते भाई लोग का सटका एंड वेलकम बैक टू चैनल आर एस कैंटरमेंट ब्लॉग्स। और आज देखो मैं बाइक पर बैठा हूँ भाई के साथ, मुझे हल्का सा पेन भी स्टार्ट हुआ है, बट दैट्स अनदर पार्ट। मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था आज कि मुझे थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया कि क्या सर आप इतना बिजी होते हो कि थोड़ा सा टाइम दे के रिप्लाई नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा मेरे पूरे वर्क प्रोफाइल पर मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा अभी, ताकि आप लोग को पता चले यार कि मेरी कैसे टाइप की भागदौड़ होती है। मैं ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, मैं रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा सा लेट होता है जब भी मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी तो रात को आई गेस 2 बजे तक मैंने रिप्लाई की है जब मैं फ्री घर पे आता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो मेरे आज का मेरा जो है प्रॉपरली ये एक सोशल इवेंट है, आप देखोगे आगे मैं कवर कर रहा हूँ। तो पहुँच गया मैं मेरे वेन्यू पे, वहाँ पे हो रहा है काम, यहाँ पर हो रहा है काम। बेसिकली ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है और आज का इवेंट पूरा कवर कर रहा हूँ मैं। तो वेट कर रहा हूँ मेरा सिनेमाटोग्राफर का, मेरे कैमरामैन दीपक भाई का पहुँच गया इधर, सिनेमाटोग्राफर का वेट कर रहा हूँ मॉन्टू का। और ये होने के बाद ये कवर, ये जो इवेंट मैं करता हूँ ना, इसके मैंने हाईलाइट डालने का सोचा है। तो एक पूरा सीरीज़ मेरे काम से रिलेटेड मैं जल्दी ही चालू करने वाला हूँ, उसके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। सो होप यू एंजॉय माई वर्क ऑल्सो लाइक माई व्लॉग्स। अंदर रूम आ रहा है, आ जाओ लेसिंग 5 6 7 ड्रॉप। ट्रैवलिंग आई मीन विदाउट कार मुझे इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ रहा है। रोज़ बाय ऑटो स्टेशन जाता हूँ, स्टेशन के आसपास उतार देते हैं, वहाँ से चल के जाना पड़ता है मुझे अंदर, फिर टिकट का लाइन, उसके बाद स्टेप्स उतरो, स्टेप्स चढ़ो एंड देन स्टेशन पे उतरो, दूसरे वाले वापस उसके स्टेप चढ़ो उतरो, फिर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो ऑटो कैब जो भी है वो करना। तो वेरी मच हेक्टिक होल डे, मतलब पिछले एक महीने से मैं ये सारी चीज़ें बेयर कर रहा हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे सिर्फ ट्रेन में चढ़ने के लिए मुझे नहीं मिलता था, तो मैं किसी तरीके से मैनेज कर देता था या फिर मैं वेट करता था खाली ट्रेन आने की। एंड लकीली मेरे क्लाइंट्स भी अच्छे थे तो कभी मुझे इशू नहीं हुआ, कभी डिले होता तो दे यूज़ टू मैनेज। तो इस व्लॉग के थ्रू उनको भी थैंक्स। सो अभी मैं ऑल द वे 2 ट्रेन चेंज करके आया हूँ फ्रॉम कोपरकेरने टू ठाणे, और ठाणे से लेके अपन आए अभी ये नाहौर में। अभी मैं रोहन से मिलूंगा और रोहन से मिलकर हम लोग कुछ प्रॉप्स का है, कल हमें निकलना है राजस्थान। तो कल से एक स्पेशल व्लॉग का अपना सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो राजस्थान के मेरे जितने प्रॉप्स है वो सब अभी जमा करके हम लोग को आगे
सीएसटी देखते जाना है नहीं जाना, लेकिन मेरे शाम का एक लास्ट मोमेंट मीटिंग लाइन अप हो गया, तो आई गेस आई हैव टू गो देयर नाउ। एक्चुअली आ रहा था रोहन मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यार अभी वो आने तक टाइम लगने वाला, तो मैं उसको बोला जल्दी किए ऑटो से आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे आज दिन की सेकेंड ऑटो है। अरे क्या अतरंगी कपड़े पहने हुए। ये मेरा भाई बहुत मेहनत करता है, बहुत आगे बढ़ेगा, मेरे से भी आगे बढ़ेगा। रहता आपके पास गाड़ी नहीं रहता तो बहुत बुरा लगता है रे, बहुत अच्छा ज़्यादा बुरा लगता है। ये तो मैं आज मैंने जानबूझकर स्टार्ट किया, बिकॉज मेरे व्यूअर्स लोग का कंप्लेंट आ रहा था कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ कमेंट्स पे, मैं स्टेटस पे अपना इस पर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये स्ट्रगल दिखाना चाहता था जानबूझकर, इससे मैंने ये स्टार्ट किया आज, और ऑलमोस्ट 10 दिन से ये स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तो रिहर्सल्स के टाइम पर रात का टाइम रहता था, और ट्रेन में खिचड़ी में मैंने एक क्लिप निकाला और जरूर डालूंगा मैं, इतनी खिचड़ी में आता था कि मोबाइल तक हाथ पहुँचना भी मुश्किल हो जाता था मैं, और इतनी टायर्ड हो रहा हूँ मैं इतने दिन से, बैंड बजे पड़ी है। हाँ ऊपर का वो तेरा अनानास लग रहा था। तो फाइनली मैं रोहन से निकल गया हूँ, अभी कुछ चीजें हैं जो मेरे को घर पे थोड़ा सा अल्टरेशन करना है कॉस्ट्यूम्स का, तो वो मैं करूंगा, और साथ ही में मेरे एक मीटिंग है वापस वहां पे जाना है मेरे को। अब नाउ स्टेशन जाके ट्रेन से वापस घर पे रेडी होके फिर से ट्रेन से ट्रेवल करके अंधेरी तक जाना है, मैंने पता नहीं यार हालत खराब हो जाती है। तो एक्चुअली मैं अभी रात के बज रहे हैं 157, और मैंने थ्रू आउट जर्नी वर्नी कुछ नहीं लिया, बिकॉज इट वॉज टू हेक्टिक। मेरे आज के इवेंट कितने सारे प्रॉप्स हो गए थे टेम्पो भर के, तो और मैं बहुत लेट हो गया, तो शूट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और बस में भी बहुत ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये, इसके बाद मैं अगर ज़्यादा व्लॉग, मेरा व्लॉग लंबा नहीं हुआ, व्लॉग व्लॉग में ठंडी में आवाज़ नहीं निकल रही, अगर मेरा व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब ये रहा स्टेज, रात के 2 बजे हम टेक्निकल्स करेंगे विथ प्रॉपर्टीज़, और ये है मेरा काम, दिन रात काम होते रहता है। दे आर माई टीम, यहाँ पे अभी 10 लोग हैं टोटल, इवन दे आर सपोर्टिव। रात को 3 बजे इट्स अराउंड 9 डिग्री सेल्सियस हियर इन राजस्थान, ये भीम माल करके एरिया है, तो अब कुछ ग्लिम्स शूट करते अपने रिहर्सल्स के, लाइट्स नहीं है प्रॉपर इसलिए ज़्यादा हम लंबन नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह मेरी बैटरी अभी भी 1% है, तो आई डोंट नो हाउ विल आई कंटिन्यू, मैं किसी और के फ़ोन में वीडियो ले लेता हूँ। यार व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, यूट्यूब से पैसे भी नहीं आ रहे, कैमरा सेटअप लेना यार, प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, शक्ल भी नहीं दिख रही मेरी। नीचे से स्टेप दिखा दे। ओके आसमान को लूटेंगे, आज चांदनी फूटेंगे, आसमान को लूटेंगे, चल बड़ा दे तुम परसों अरे तसा वाटत तुम्हाला जाते पुढे। वन मॅन शो तुम्ही आमच्या बोट धरा। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो डाले थे अभी, ये मैं मतलब महीने भर से ट्राई करता था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे वर्क रिलेटेड मैं व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन सच बोलू ना यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया मुझे। मैं स्टार्ट तो कर लेता था लेकिन नहीं कम्प्लीट कर पाया, बिकॉज हर जगह पे सिचुएशन अलग रहती थी, स्ट्रेस रहता था, भागदौड़ रहती थी, बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है काम से रिलेटेड,
तो नहीं कंप्लीट करके आया मैं, तो एक सिर्फ एक क्लोजर के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो ले रहा हूँ। एंड गाड़ी नहीं होने के कारण मेरी बहुत ज्यादा भागदौड़, फिजिकली भागदौड़ जो थी ट्रेन बस और रिक्शा टैक्सी से हो रही है, जिसकी वजह से हल्का सा पेन मुझे थोड़ा सा महसूस होने लग गया था। इसलिए अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि आने वाले कुछ दिनों में, दो तीन दिनों में मैं जब भी मुझे गैप मिलता है काम से मैं जाके गाड़ी देखूंगा। ओके, अभी सवाल ये रहेगा बहुत लोग के बीच में कि यार MRI क्यों नहीं निकाल रहे, गाड़ी ले रहे पहले। तो भाई लोग, मेरा जो काम है उसके लिए मुझे गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे फिलहाल पेन कम है तो मैं MRI को प्रेफरेशन दे रहा हूँ, लेकिन MRI तब निकालूंगा जब मैं 1 वीक का प्रॉपरली रॉ डाइट फॉलो करके करने का मैंने प्लानिंग किया था, मैंने पिछले कुछ वीडियोज में बोला था। तो मुझे MRI निकालने के पहले 1 वीक का प्रॉपर रॉ डाइट करना है, तो जब मुझे पूरा टाइम मिलेगा। मैंने सोचा नहीं था जैन फेब में इतना वर्कलोड आएगा, बिकॉज लॉकडाउन के बाद लोगों का सब जो अपना एंटरटेनमेंट फील्ड है मेरा वो अभी ओपन अप हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वर्क प्रेशर मेरे पे ज्यादा आ गया। और मैं MRI के लिए वैसे टाइम तो ज्यादा नहीं जाएगा, बीच में कोई टाइम निकल के मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना है लाइव। मैंने प्लान किया है कि मुझे लाइव जाना है MRI के लिए, और रॉ डाइट करने का रीजन ये है कि एक मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कि रॉ डाइट से भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हो ही रहे थे मुझे। तो एक महीने, क्योंकि देखो 3 महीने से मेरा एक्सरसाइज कम्प्लीटली मेरा एक्सरसाइज जो है बंद है, मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। तो 1 वीक मुझे सिर्फ देना है जिसमें मैं रॉ डाइट भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, और वाटर फास्टिंग नहीं करूंगा। रॉ डाइट के बाद मैं एक्सरसाइज कम्प्लीट करते रहूंगा हफ्ते भर, और फिर MRI निकालूंगा अभी लाइव जाके, और उसके रिपोर्ट्स भी मैं लाइव ओपन करूंगा आपके सामने। तो बस ये कुछ प्लानिंग थी, इसके लिए डिले हो रहा है MRI के लिए, तो मेरे जेन्युइन पर्सनल रीजन है उसके लिए। तो रियली सॉरी, जनवरी मैंने बताया था बिकॉज सच में मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा वर्कलोड होगा, लेकिन आ गया भगवान की कृपा से काम, तो करने दीजिए। बिकॉज आपने देखा मेरा कार भी मेरे को सरेंडर करना पड़ा, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉकडाउन में मुझे पैसे वैसे बोरो करने पड़े थे, जो मैं अभी धीरे धीरे रिटर्न कर रहा हूँ। बाय गॉड ग्रेस अभी 50% मैं रिलैक्स हूँ फाइनेंशियली, और 50% बाकी मेरे कहते 6-7 महीने मुझे स्टेबल होने के लिए जाएंगे, बट करेंगे अपन। और MRI मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के आसपास में हो जाना चाहिए, बिकॉज तभी थोड़ा वर्क प्रेशर मेरे पे कम होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड होप मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। ट्राई करूंगा लाइव आ जाओ बीच में इन्फॉर्म करके, तो देखते कभी पॉसिबिलिटी है वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स एंड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।